आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद राष्ट्र के नाम अपने अपनी जान को कुर्बान करने वाले जवानों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। देश की एकता और अखंडता बनी रहे इसके लिए न जाने कितने कितने वीर जवानों ने अपनी जान देश को न्यौछावर कर दिया। जिनके बारे में जानना और उनकी कहानियों को, उनके किस्सों को जानना गर्व से भर देता है। देश के ऐसे ही एक वीर जवान हुए गुरबचन सिंह सलारिया, जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर अपना लोहा मनवाया। आज़ाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता अगर कोई है तो वो गुरबचन सिंह ही है, और उनको ये जो सम्मान दिया गया वो मरणोपरांत दिया गया। गुरबचन सिंह सलारिया ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ वीरता के किस्से सुने सुनाए जाते रहते थे। वो बचपन से ही इसके मतलब बिल्कुल एकदम उनके रग रग में वीरता की कहानियाँ दौड़ती थी। पिता मुंशी राम जो थे वो ब्रिटिश भारतीय सेना में थे। वे हॉर्स के डोगरा स्क्वाड्रन का एक भाग थे। गुरबचन सिंह पिता के शौर्य और उनकी रेजिमेंट की जो के जो किस्से हैं वो बहुत चाव से सुना करते थे। उसको सुनते उन किस्सों को सुनते सुनते वो बड़े हुए। इन किस्सों का उन पर गहरा असर हुआ और जो गुरबचन सिंह हैं वो थे वो बचपन से ही सेना में जाने का उन्होंने मन बना लिया था। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जो अखंड भारत के तहसील शकरगढ़ के जमवाल गांव में साल 1935 में नवंबर के 29 तारीख को पैदा हुए, जहां वे पैदा हुए वो जगह अब पाकिस्तान में पड़ता है। बैंगलोर के किंग जॉर्ज स्कूल से सलारिया ने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर साल 1952 में एनडीए में एंट्री पाने वाले वे पहले कैंडिडेट बना दिए गए और 9 जून 1956 को एनडीए से उन्होंने पास आउट हुए वो, और उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी की 3x1 गोरख राइफल्स में भर्ती ले ली और फिर यहीं से वे देश सेवा में बिल्कुल जुट गए। साल 1961 आया और ये एक ऐसा वक्त भी था जब दुनिया कोल्ड वॉर से जूझ रही थी और तभी दक्षिण अफ्रीका के कांगो में गृह युद्ध जैसे माहौल पैदा हो गए थे। बहुत ही स्थिति बुरी हो गई थी। ऐसे हालात पैदा हो गए कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में दखल तक देना पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र ने कांगो की अपील पर एक ऑपरेशन की योजना बनाई और फिर भारत से इसके लिए हेल्प की गुजारिश की गई, जिसके बाद एक सेना की टुकड़ी भारत ने दक्षिण अफ्रीका भेजा, जिसके गुरबचन सिंह ही जो थे इस टुकड़ी के एक भाग थे। दुश्मनों ने 5 दिसंबर 1961 को एयरपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के लोकल हेडक्वार्टर की ओर जाने वाले रास्ते एलिजाबेथ विले को चारों ओर से घेर लिया। इन दुश्मनों को हटाने का मिशन जिनको सौंपा गया वो गोरखा राइफल्स के 16 सैनिकों की एक टीम थी और गुरबचन सिंह को टीम लीडर बनाया गया। कैप्टन गुरबचन के सामने चुनौती बड़ी थी। अब जरा सोचिए चुनौती कैसे बड़ी थी। दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और तो और उनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा थे, पर ऐसे हालात में भी गुरबचन सिंह के हौसले बुलंद ही रहे थे। टीम के साथ वे दुश्मन पर टूट पड़े और दुश्मन के 40 विद्रोहियों को उन्होंने मार गिराया। पर इस संघर्ष में आगे क्या हुआ? इस संघर्ष के दौरान हुआ ये कि कैप्टन सलारिया के गले में तब 2 गोलियां लग गईं, जिसके बाद खून बहुत गिर गया और युद्ध भूमि से वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो युद्ध भूमि पर ऐसे हालात में भी 2 गोली लगने के बाद और काफ़ी ज़्यादा खून बहने के बाद भी वो युद्ध भूमि पर अड़े रहे, डटे रहे। कप्तान को ऐसे लड़ते देखकर, ऐसे हिम्मत करते देखकर भारतीय टुकड़ी में जोश का माहौल पैदा हो गया और आखिर में उनके पराक्रम से दुश्मनों ने घुटने टेक दिए। हालांकि इस संघर्ष में सलारिया ने खुद की जान गंवा दी, न्यौछावर कर दिया खुद को और महज 26 साल की उम्र में विफर्ज की खातिर शहीद हो गए। कैप्टन की बहादुरी देख देश के तब के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनको मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने गुरबचन सिंह सलारिया को
परम वीर चक्र से सम्मानित किया। सलारिया एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक हुए जिनको ये सम्मान दिया गया, ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया। वीरता के किस्सों को सुन सुनकर बड़े हुए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की जाबाजी के किस्से आज हर कोई अपनी जुबान से दोहराता है, जिन्होंने देश की शान के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की और दुश्मनों के होश उड़ा कर रख दिए। ये स्टोरी जो किसी की भी हिम्मत बढ़ा सकती है। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आप इस वीरता के किस्से को सुनकर क्या सोचते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये सेगमेंट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। इस सेगमेंट में इतना ही।